आप देख रहे हैं हमारा एक बेहद सनसनीखेज खुलासा। पुलिस वाले बेचते हैं सरकारी मालखाने से हथियार, और इस वक्त लखनऊ में हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक कन्हैयालाल गुप्ता। गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद सरानी से बातचीत करने के लिए। आपने पूरी बात ये देखी, पूरा हमारा खुलासा देखा। हम आपसे बहुत सारी बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया। हाँ, ये दोनों घटनाओं को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ, आश्चर्य भी हुआ कि हम लोग कितना गिर गए हैं और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कितना घुन लग गया है। कोई सुपरवाइजर नहीं है, सबॉर्डिनेट ऑफिसर ही जो कुछ चाहे कर सकता है। अदरवाइज मालखाना जब चार्जशीट लग जाती है तो सदर मालखाना में सामान चला जाता है जी। और उसका इंचार्ज एक एसपीओ होता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में हो जाता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी उसका मुआयना करते हैं। फिर लगता है कोई इंस्पेक्शन सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया, कोई आके देखता नहीं है। सीनियर ऑफिसर कोई सुपरविजन नहीं है, और ये जो सबॉर्डिनेट है, सब इंस्पेक्टर हैं, सिपाही हैं, यही सब कुछ है मालखाने में, जो चाहे उलटफेर करते रहते। चलिए गुप्ता जी, हम आपसे इस पर और आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ कन्हैयालाल गुप्ता जी मौजूद हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर में हम आपको सीधे लिए चलेंगे मेरठ, और वहां के जो डीएम है मुकेश कुमार मेश्राम, जिलाधिकारी, उन्हें हम वो हथियार सौंपेंगे। हम आपको बता दें कि हम ये जानते हैं कि ये जो हथियार खरीदना गैर कानूनी है, और इसीलिए हमारा मकसद जो था सिर्फ बेनकाब करना था। ऐसे पुलिस वालों को हमारे संवाददाता विकास भदौरिया, जिलाधिकारी मेश्राम साहब के साथ मेरठ में मौजूद है। हम सौंपेंगे ये हथियार, आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।